The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in depth topic wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. time to experience something glorious unacademy combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now.

है ना तो फटाफट फ़ड़ वीडियो को शेयर कर दो लाइक कर दो मेरे दोस्तों और अगर चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डू हिट द आइकन यस सो जब तक आप शेयर कर दो मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं तो छह सालों से पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त एंड दिस सिक्स आई है सात सब्जेक्ट में टोटल कवर दैट इंक्लूड्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर जियोटेक ओपन चैनल सर्वे

अन अकेडमी का आपको ऐप आप डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्नर ऐप वो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है सिंपल सा है मेरे प्रोफाइल पे जाके लिंक आपको दिया हुआ है प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर देना बिकॉज मैनी प्लीज स्पेशल क्लासेज आर अवेलेबल ओवर देर एंड मेरे दोस्त तो जो भी बच्चे प्लस पे ज्वाइन करना चाहते हो विद्यू बैच दे कैन ज्वाइन इट राइट यूजिंग द कोड भारेरूट स्टार्टेडर स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल फ्रॉम नाइन एम इन दॉर्निंग स वाई यू शुड ज्वाइन प्लस प्लस ज्वाइन करने का क्या फायदा या आइकोनिक्वाइन करने का क्या फायदा यूजिंग द कोर्ट भारत टेन तो सबसे पहला बात इंटरव लाइव क्लासेस वेरी हाई लेवल इंटरक्टिव क्लासेस राइट क्रैश कोर्स आपके एग्जाम से पहले मिल रहे होते हैं जो आपको मदद कर रहे होंगे अपने प्रिपरेशन को आगे बहुत बूस्ट देने के लिए वीकली टेस्ट हर सातवें दिन टेस्ट होगा ताकि तुम एनालाइज कर सको क्या पढ़ लो कहा इंप्रूवमेंट होना चाहिए डाउट सॉल्विंग सेशन फोर डे क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों मिल रही होंगी and the rank improvement batch is available for you where you can practice n number of questions so all this you will get in the plus agar मैं iconic baat karte hain to plus ke sare advantage milte हैं तो है मेरे दोस्त लेकिन एक additional advantage milta है personal coach ka where we will be guiding you with the study plan strategies jo bhi आपके workout session चाहिए वो मिल रहेंगे जो भी test लिखोगे उसका proper analysis हो रहा होगा ठीक है there after जो भी आपको एक study material अच्छे से मिल रहा होगा dedicated doubt learning instructions आपको दिए जा रहे होंगे so all these you get in the iconic along with the plus

तो मेरे दोस्त आज का मोटिवेशन क्या बोलता है भाई आज का मोटिवेशन क्या बोलता है आज का मोटिवेशन बोलता है आज का मोटिवेशन बोलता है इफ यू आर आर विलिंग टू वर्क फॉर इट इट डोंट कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग अब इसका मतलब क्या है है अब इसका मतलब क्या बहुत बच्चे बोलते हैं यार गेट ई पता नहीं बहुत टफ लगता है एस एस जेई कर लेते और फिर जब जिंदगी में जब uh, मानो जेई बन भी गए तो फिर कंप्लेन करेंगे यार उसके पास ये है मेरे पास ये है हाँ वो ये कमा रहा है हम ये कमा रहे तो कंप्लेन क्यों कर रहे हो जब ड्रीम ही छोटा रखे थे तो कंप्लेन करना भी नहीं बनता है ठीक है टारगेट तो ही नहीं किया चीज तो हाँ कि मैं नहीं मुझे नहीं मिला राइट तो पहले सोचोगे तब तो मिलेगा सोचोगे नहीं तो कहां से मिलेगा राइट तो आई होप यू इट इज ऑल यस 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 चलो ओके ओके okay. अबे वॉच को छोड़ ना भाई वॉच तेरा क्या कर रहा है उसमें कुछ फॉल्ट आया हुआ है रहने दो उसको है चलिए ओके क्लियर okay. है बात क्लियर है बात आगे बढ़े हम लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए सो so, मेरे दोस्त कल हम लोग पढ़ रहे थे क्लेम इनर

तो वहां पे नेट चार्ज क्या होगा जल्दी से मेरे दोस्तों जवाब दोगे जल्दी से जवाब दोगे व्हाट इज द नेट चार्ज व्हाट इज द नेट चार्ज यस व्हाट इज द नेट चार्ज नेट चार्ज क्या होगा वेरी गुड वेरी गुड इसका क्या होगा माइनस वन माइनस वन माइनस फाइव प्लस फोर सिलिका प्लस फोर यहां पर क्या होगा माइनस थ्री माइनस थ्री यस yes, आपका माइनस टू प्लस थ्री डेट इज वॉट हियर आपका प्लस वन तो मेरे दोस्त कल हमने मिनरल के बारे में पढ़ा था कल हमने के बारे कौन सा बॉन्ड होता है देर इज अड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तो ले आपका स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होगा कम होगा लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज चलिए एक रिविजन के लिए प्लान कर लीजिए चलिए ठीक हम कर बेटा और कोई सजेशन और कोई सजेशन कोई सजेशन अभी बता दो सेशन शुरू होने के बाद मत बताना चलिए एकदम यस ओके तो यहां पे वन आपका कौन सा है सिलिका वन आपका किसका ऑटा यहां पे हम जनरली किसको लेते हैं एल्यूमिनियम आपका प्रेजेंट होता है मतलब डिप्साइट यूनिट एकदम चलो ओके So, मेरे दोस्त डाट्स अ पार्ट फ्रॉम द रिविजन ये पार्ट हो गया रिविजन का अब हम इंटर कर रहे मोर न्यूमेरिकल सेशन अरे बाबा जब थ्योरेटिकल टॉपिक है उसमें न्यूमेरिकल सेशन से लाए आपका गेट ईसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी स्वेल्थ क्लासिफिकेशन और ये वाला पार्ट है कौन सा हमने किया था इंडेक्स प्रॉपर्टी अभी आने वाला है तो हम तो पहले ही बोले पहले थ्योरी खत्म करेंगे तब तो ना निमड़का लाएगा बेटा जी चलिए राइट सो टू इज टू वन मिला टू इज टू वन किसका है टू किसका है टू इज फॉर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट और वन किसका है मेरे दोस्त वन इज फॉर ऑक्टाहेड्रल यूनिट वन इज फॉर ऑक्टाहेड्रल यूनिट ठीक है वन इज फॉर ऑक्टाहेड्रल यूनिट अब देखो ये बात मैं तुम लोग को बहुत क्लियर बताता हूं अगर तुम एक साथ चार सब्जेक्ट लेके चलोगे चार टेक्निकल तो यार हम कितना भी तुमको समझा दे वो नहीं समझ में आएगा ये बात समझ रहे हो तो वो तो यार आपको सोचना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज तो क्योंकि मैं बार बोलता हूं कितना भी पढ़ लो अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो अगर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे दोस्त वो पढ़ना नहीं पढ़ना बात बराबर हो गया समझ में आया कि नहीं इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि रिलीजन को फोकस ज्यादा सब्जेक्ट उठा लोगे फंस जाओगे सो so, देखो ये इसका एक लेयर का थिकनेस होता है टेन एनस्ट्रम इज इट थिकनेस इज टेन एनस्ट्रम एक लेयर का थिकनेस कितना हुआ आपका टेन एंस्ट्रम हुआ अब देखो यहां पर अब देखो यहां पर अगर हम बात करें लेटेस्ट से कि यहां पर एल्यूमिना है और यहां पे सिलिका है ये तो सिलिका ही है तो अब मेरे दोस्त इसका नेट चार्ज क्या होगा यहां पे नेट चार्ज क्या होगा जल्दी से बताओ व्हाट इज द नेट चार्ज हियर व्हाट इज द नेट चार्ज हियर नेट चार्ज क्या होगा यहां पे सिलिका टेटराइड यूनिट पे चार्ज क्या हुआ माइनस वन इस पे भी माइनस वन तो ये दोनों मिला के माइनस टू चार्ज एलुमिना अगर है तो चार्ज क्या हुआ प्लस थ्री प्लस वन तो आपका नेट चार्ज इस लेयर का कितना हो गया ट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस लेयर बोलो मेरे दोस्त नेट चार्ज इज माइनस वन तो अब क्या होता है अब क्या होता है कि एक लेर से दूसरा लेयर को कनेक्ट करने में अब यहां पर न्यूट्रल बॉन्ड नहीं होगा यहां पर न्यूट्रल बॉन्ड नहीं होगा इट विल है चार्ज बॉन्डेड होगा राइट जनरली एन ए प्लस आयन से आपका बॉन्डेड होता है जनरली एनए प्लस आयन से बॉन्डेड होता है ठीक है जनरली बॉन्डेड विथ एन ए प्लस आयन ठीक है जनरली बॉन्डेड विथ एनए प्लस तभी तो बॉन्ड क्रिएट हुआ तो देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ यहां पे क्या आया एनए प्लस आयन दैट इज आयोनिक बॉन्ड एनए प्लस बॉन्डिंग तो यहां पे बॉन्डिंग कैसा आया आयोनिक बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग इज इट क्लियर बॉन्डिंग कैसा आया आयोनिक बॉन्ड इज इट क्लियर टू ऑल बॉन्डिंग इज आयोनिक बॉन्डिंग क्लियर है बिकॉज उसमें हम क्या देखे कलनाइट में इन द कलनाइट एक लेयर आपका क्या था न्यूट्रल था तो वहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आया ठीक है अब यहां पे तुमको क्या दिख रहा है आयोनिक बॉन्ड दिख रहा है तो अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है यहां पे क्या बोल रहे हैं टू इज टू वन मिनरल है ठीक है थिकनेस थिकनेस इज नियरली इज नियरली थर्टी नैनोमीटर कैलनाइट में अगर हम बात करें तो पचास से दो हजार नैनोमीटर था यहां पे थिकनेस क्या है थर्टी नैनोमीटर है थर्टी नैनोमीटर अब ये क्या ये बॉन्ड ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना बहुत वीक होता है तो यहां पे आप क्या देखोगे इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज स्वेलिंग एंड श्रिंकेज एग्जाम्पल एनी एग्जाम्पल डियर फ्रेंड

इट सोइल राइट सोइल में इलाइट कंटेंट बहुत पाया जाता है. -right है. Yes. -right okay. -right तो है इतना हमको बस दिमाग में रखना है ठीक है यहां पे लिख दो कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्त कनेक्टेड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड चलिए अगला बात करते हैं सर आप एक सेशन रख लीजिए रिवीजन और कितना सब्जेक्ट ले अच्छा ठीक रख लेंगे भाई और कोई आ गया तुम्हारा डिमांड खत्म ही नहीं होता है नहीं तो अगला है मेरे दोस्त मॉन्ट नाइट अगर मॉन्ट नाइट बात करोगे ये भी कैसा मिनरल है टू इज वन मिनरल ये भी कैसा मिनरल है टू इज वन मिनरल तो अब देखो यहां पे अगर यहां टू इज टू वन मिनरल ले रहे हैं हम इफ आई एम टेकिंग दू इज वन मिनरल सो तो वट विल है टू इज वन मिनरल अगेन आपको क्या दिखेगा दो सिलिका टेड्रेड्रन यूनिट और एक आपको दिखेगा क्या ऑक्टाहाइड्रन यूनिट एक आपको दिखेगा ऑक्टाहाइड्रन यूनिट नेट चार्ज होगा या नहीं होगा जनरली एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट नेट चार्ज विल बी देयर और नॉट नेट चार्ज विल बी देयर और नॉट जल्दी से बताओगे नेट चार्ज होगा या नहीं होगा एकदम होगा नेट चार्ज विल बी देयर, नेट चार्ज विल बी देयर राइट अब नेट चार्ज है तो बॉन्ड किससे बनेगा यहां पे बॉन्ड बनता है वीक वाटर बॉन्ड यहां पे बॉन्ड किससे बनेगा वीक वाटर बॉन्ड ये जो कनेक्शन बनता है ये कनेक्शन किससे बनेगा दैट इज वीक वाटर बॉन्ड वीक वाटर बॉन्ड ठीक है कैसा बॉन्ड होगा वीक वाटर बॉन्ड होगा ज अ वीक वॉटर बॉन्ड माइडियर फ्रेंड तो अब यहां पर क्या लिखे नाम यहां पर इन द मॉन्ट मॉड्यूलो नाइट केस इन द मॉन्ट मॉड्यू नाइट केस थिकनेस थिकनेस अप टू तीन नैनोमीटर तीन नानोमीटर ज्यादा थिकनेस होगा नहीं बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है इजिली डिस्प्लेस हो जाएगा थिकनेस कम होगा राइट तो अगला क्या है वेरी हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज वेरी हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बड़ा वीक बॉन्ड होता है भाई वेरी हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज एग्जाम्पल बता दो एनी एग्जाम्पल डियर फ्रेंड ये तो जानते हो यार एग्जाम्पल तो जानते हो मॉन्ट मॉन्ट लाइट का यस आप रेशियो कैसे लिख रहा है बाबा ये यूनिट है जैसे ये देखो एक मिनरल दिख रहा है ये किसके लिए आप बोलते हो ये आपका सिलिका टेटराइड्रन यूनिट है सिलिका टेटराइड्रन यूनिट है और ये यूनिट है तो दो सिलिका एक उसके लिए रेशियो लिख रहे हैं यस ब्लैक मेरे दोस्त हमने जितना पढ़ा है, है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है हम उतना ही बता रहे जितना अपने काम का है ठीक है मेरे दोस्तों नहीं इलाइट में आयोनिक होगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा अरे बाबा नहीं 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 अरे बाबा नहीं 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 बेटा यहाँ आयोनिक लिखा है भावनाओं में बह गया था इट इज आयोनिक बॉन्ड इट इज आयोनिक बॉन्ड नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड चलो 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 यस चलो चलो लूस आएगा लूस में आपका क्या होता है सोच के देखो लूस में होता है मॉन्ट मॉन्डलाइट का कंटेंट लूस में होता है मॉन्ट मॉन्डलाइट का कंटेंट मैं इसे मना नहीं कर रहा हूं अगर आप लूज का देखोगे तो वहां क्या होता है पे का ज्यादा होता है है ये लिखा है क्या मैंने ये लिखा है क्या मैंने? ये लिखा है क्या मैंने? ये लिखा है है क्या क्या मैंने मैंने बोलो तो बोलो यार एकदम एकदम तो लूज में भी होता है लेकिन आप बोल सकते हो एग्जांपल आप उसको बोल सकते हो राइट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर है बात चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो आज का टॉपिक है यस मेरे दोस्त एकदम नया टॉपिक है सबको इन्फॉर्म कर दो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग जो इफेक्टिव स्ट्रेस में इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ोगे टोटल स्ट्रेस पढ़ोगे सारा जो पॉइंट पढ़ने वाले हो आगे अगर ये टॉपिक समझा हुआ है तो सब बहुत आसान हो जाएगा नहीं समझा हुआ है तो वो सब टॉपिक टफ हो जाता है ठीक है स्ट्रक्चर से हमारे बॉन्ड अलग अलग है एक का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है दूसरे का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो एक का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा दूसरे में डिस्प्लेसमेंट कम होगा ओके नया चैप्टर समझ लो एकदम एकदम नया चैप्टर समझ लो यस शेयर कर दिया सब लोगों ने अबे लाइक नहीं किया तुम लोगों ने यार मतलब बड़ा पापी लोग है तुम लोग यार मतलब मैं तुमको बाहर बोलता हूं जो डिसलाइक करने वाला वो अपना काम करके चल जाता है लेकिन जो लाइक करने वाले वो अपना काम ही नहीं करते अपना नहीं करते हैं चलो देखा जाए जरा देखा जाए जरा सोइल वाटर मेरे दोस्त सोइल वाटर जब हम बोल रहे हैं तो ये कौन सा पानी ये पानी जो मिट्टी में मिले ये नहीं बोल सकते कांट से डेट ये वो पानी है जो व्हाइट में मिले जो पोर्स में मिले हम ये बात नहीं बोल रहे हम बोल रहे ये वो पानी है जो मिट्टी में मिले अब मिट्टी में पानी बहुत तरीके से मिल सकता है मिट्टी में पानी बहुत तरीके से मिल सकता है जैसे सबसे पहला मेरे दोस्त सबसे पहला है ग्रेविटी वाटर ग्रेविटी वाटर ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर और फ्री वाटर ये सारे एक ही नाम है मेरे दोस्त ये सारे एक ही नाम है ग्रेविटी वाटर ग्राउंड वाटर और फ्री वाटर ये सारे एक ही नाम है अलग अलग नाम नहीं है ये सारे एक ही नाम है ठीक है उसके बाद और क्या होगा उसके बाद और क्या होगा सेकेंड एब्जॉर्बड वाटर एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है एड्जॉर्ब वाटर मेरे दोस्त दो तरीके का पानी होता है दो टर्म है एक है एब्जॉर्ब दूसरा है एब्जॉर्ब एक है एड्सॉर्ब दूसरा है एब्जॉर्ब एक है एब्जॉर्ब दूसरा है एब्जॉर्ब दोनों में डिफरेंस क्या है वट इज द बेसिक डिफरेंस वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एब्सॉर्ब वाटर एंड एब्जॉर्ब वाटर कौन बताएगा एड्सॉर्ब मतलब क्या हुआ सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब मतलब क्या हुआ जो एब्सॉर्ब हो गया विद इन द बॉडी गुड सो एब्सॉर्ब वॉटर एब्सॉर्ब वॉटर में दो तरीके का पानी है मेरे दोस्त। इस में दो तरीके का पानी है मेरे दोस्तों कौन कौन सा एक है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर और मेरे दोस्त दूसरा है फिल्म वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड फिल्म वाटर मतलब ये दोनों वाटर वो है जो सॉलिड के सरफेस से चिपका रहेगा फ्लो नहीं करेगा कभी फ्लो नहीं करेगा ये सॉलिड के सरफेस से चिपका रहेगा कभी भी फ्लो में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बात समझ में आया चलिए एकदम एकदम आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं ये तो हुआ एब्सॉर्ब वाटर थर्ड पॉइंट बात करें थर्ड पॉइंट बोलता है अपना थर्ड पॉइंट बोलता है स्ट्रक्चरल वाटर थर्ड पॉइंट बोलता है स्ट्रक्चरल वाटर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या स्ट्रक्चरल वाटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या हैव यू ऑलरेडी स्टडीड द स्ट्रक्चरल वाटर हाँ भाई स्ट्रक्चर वाटर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कहां प्रेजेंट होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे कहां प्रेजेंट होता है एंड फोर्थ इज फोर्थ इज कैपिलरी वाटर वेरी इंपोर्टेंट ये हमारा मेन टॉपिक है आज ये हमारा आज का मेन टॉपिक है बाकी तो तुरंत तुरंत निकल जाएगा आज हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द कैपिलरी वाटर फिल्म वाटर क्या होता है पढ़ा रहे हैं भाई रुक जाओ यही तो पढ़ना है अभी 45 मिनट यही पढ़ना है मेरे दोस्त देखो एड्जॉर्ब वाटर का एग्जाम्पल बताओ पानी है पानी है चलो ओके ठीक है देखो आगे, सो so, मेरे दोस्त सबसे पहला हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी वाटर सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं ग्रेविटी वाटर या ग्राउंड वाटर या फ्री वॉटर ग्रेविटी वाटर ग्राउंड वाटर और फ्री वाटर मेरे दोस्त हमेशा याद रखना एक बात हमेशा याद रखना एक बात क्या याद रखना है लेट अस से लेट अस से दिस इज योर ग्राउंड वाटर टेबल लेवल ऐसे ही लिखते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर टेबल ठीक है दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल अब देखेंगे सब लोग यहां पे। इफ दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल माय डियर फ्रेंड देखिए आप पे सब लोग ओके okay. तो अब हुआ क्या अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल लेवल है राइट इधर भी आपका मिट्टी है मान लो मिट्टी तो भैया आप पूरे में मान रहे ये पूरे में आपका मिट्टी है है ना ठीक है तो ये पूरा आपका मिट्टी आपका प्रेजेंट है सॉलिड पार्टिकल्स है बीच में आपका क्या है ये पूरा आपका मिट्टी है टेबल है तो वाइट का हर पॉइंट वाइड में जितना भी स्पेस है किससे भरा होगा वाइट में जितना भी स्पेस किस होगा किससे भरा होगा वाइड में जितना भी स्पेस होगा किससे भरा होगा हा वाइड में जो भी स्पेस होगा जो एक्चुअल वाइड होगा वो किससे बड़ा होगा इट विल बी फिल्ड विद द वॉटर इट विल बी फिल्ड विद द वॉटर ठीक है अब अगर वो वॉटर ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे इफ द वॉटर इज बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल देन सच अ वाटर बी से ग्रेविटी वाटर और ग्राउंड वाटर और फ्री वाटर ये पॉइंट क्लियर हुआ ये पॉइंट क्लियर हुआ बोलो हाँ या ना यस yes? तो यहां पे क्या बोल रहे हैं वाटर वाटर बिलो ग्राउंड वाटर टेबल लेवल वाटर बिलो ग्राउंड टेबल लेवल इज इज रेफर्ड एस इज रेफर्ड एस इज रेफर्ड एस ग्रेविटी वाटर ग्रेविटी वाटर ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर और प्री वाटर प्री वाटर ठीक है मेरा दोस्त अभी सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं बाद में और बात करेंगे इसमें ठीक है सर लास्ट ईयर में ज्योति की सारी प्लेलिस्ट पंद्रह दिन में खत्म कर दी थी और अब यहां से रिवीजन के लिए आया हूं एकदम सही एकदम सही वो लास्ट ईयर जो तुम पंद्रह दिन में खत्म किया वो सब बेकार पड़े हो क्योंकि वो क्यों बेकार पढ़े हो अगर पंद्रह दिन में खत्म किए हो पूरा जियो टेट तो मेरे दोस्त नुमड़कल नहीं लगाया होगा क्योंकि अगर नुमड़कल साथ में लगाए होते तो पंद्रह दिन में खत्म हो ही नहीं सकता हम ही नहीं कर सकते तुम कहां से कर लोगे चलो चलो राइट तो अभी तो ज्यादा तुमको पढ़ना पड़ेगा तो ये तो बात हो गया इसका अब देखो मेरे दोस्त बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल जो पानी है उस पर जो फोर्स लगेगा उसके खुद के भजन के कारण लगेगा राइट right? और जितना भी हाइड्रोस्टैटिक्स का लॉ है ऑल द लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स विल बी वैलिड ठीक है सो द वॉटर वॉटर विल बी सब्जेक्टेड टू विल बी सब्जेक्टेड टू फोर्स ड्यू टू इट्स ओन वेट ड्यू टू इट्स ओन वेट ओन वेट एंड ऑल द लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स एंड ऑल द लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स ऑल द लॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स आर वैलिड जितने भी हाइड्रोस्टैटिक्स के लॉ हैं यहां पे वैलिड होंगे तो एक लॉ मेरे को याद आता है पास्कल्स लॉ एक लॉ मेरे को याद आता है पास्कल्स लॉ और पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कोई भी वाटर मॉलिक्यूल किस स्टेट में होगा टेंशन में होगा या कंप्रेशन में होगा कोई भी वाटर मॉलिक्यूल टेंशन में होगा या कंप्रेशन में होगा जल्दी से बता दीजिए कोई भी वाटर मॉलिक्यूल टेंशन में होगा या कंप्रेशन में होगा हमको एक लॉ याद आता है पास्कल्स लॉ और पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल विल बी इन टेंशन और विल बी इन कंप्रेशन यस कंप्रेशन में होगा कंप्रेशन में होगा सो द वॉटर मॉलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन क्लियर है यहां तक यहां तक क्लियर यहां तक क्लियर बोलो मेरे दोस्तों यस इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन ज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी वन चलिए गुड मॉर्निंग तेरा मॉर्निंग हो रहा है वो लड़की वाली बात मत बोलना लड़की वाली बात मत बोलना चलिए क्लियर है यहां तक सो वॉटर बिलो दर टेबल इसी को हम क्या बोले ग्रेविटी वाटर फ्री वाटर या ग्राउंड वाटर उसके बाद हम क्या बोला वाटर विल बी सब्जेक्टेड टू इट्स ओन वेट खुद के वजन पे तो सारे जितने हाइड्रोस्टाइडिक्स के लोग हैं वो वैलिड होंगे ठीक है साथ ही साथ हमने क्या बोला द वॉटर मॉलिक्यूल इज इन सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन चलिए क्लियर अगला बात करते मेरे दोस्त एडजॉर्ब वाटर में हमने दो बात किया एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर और दूसरा फिल्म वाटर दो बात किया मेरे दोस्त एक आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर है दूसरा आपका क्या है फिल्म वाटर तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है वॉट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये वो वाटर है विच इज अट्रैक्टेड टू द सॉलिड सर्फेस फ्रॉम द एनवायरमेंट एनवायरमेंट में से एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या किया खींचा किसने सॉलिड ने बाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब वो खींचा है तो वो जो पानी का परत जमा है पानी का लेयर द लेयर दैट इज अराउंड द सॉइल सॉलिड जो सबसे पहला लेयर जो कॉन्टैक्ट में आता है उसी को क्या बोल रहे हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोल रहे हैं इज इट क्लियर उसी को हम क्या बोल रहे, रहे हैं मेरे दोस्त हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोल रहे हैं ओके यस बाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द एटमोस्फियर सो यू कै वॉटर विच इज एसॉर्ब एब्सॉर्ब ऑन दॉयल सॉलिड्स सॉलिड्स बाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट बाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेयर वॉटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमोस्फेयर वाटर इज एड्सॉर्ब फ्रॉम एटमोस्फेयर 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 में जो पानी उसको जो उसको right? है उसको खींचा जो मॉइस्चर उसको खींचा राइट चलिए क्लियर ए पॉइंट सरफेस पे ही तो बात हो रही है सरफेस सॉलिड पे बात हो रही है सरफेस सॉइल की बात नहीं हो रही है सॉलिड की बात हो रही है सॉलिड के सरफेस पे बात हो रही है ठीक है चलिए ओके जनरली अपर लेयर्स पे होता है लोअर लेयर पे कम पाया जाता है अपर लेयर्स पे ज्यादा पाया जाता है जितना देप जाते जाओगे ये पानी में आपको कम मिलेगा देखो अभी हमें

फालतू का कमेंट लिख रहे हो मतलब जो क्लास को डेविएट करने वाला कमेंट्स में देख रहा हूं तो आई थिंक ये हटा देना चाहिए क्या बोलते हो हम्म बेफालतू का कमेंट मेरे को खराब लगता है पता है ना आपको हटा दूं मैं क्योंकि बेफालतू के कमेंट्स हो रहे हैं और उससे मेरा डिस्ट्रक्शंस होता है चलिए अभी थोड़ा देर के लिए रोक रहे हैं कमेंट्स ठीक है मैं नहीं देख रहा इस पर फोकस कर रहा हूं सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की जब बात कर रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात कर रहे हैं तो ये वो वाटर है इज फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई द स्वल सॉलिड नाउ इट इज फॉर्मिंग ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अराउंड सॉलिड तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा होगा तो कंपेयर टू द ग्रेविटी वॉटर कंपेयर टू द ग्रेविटी वॉटर इट इज गोइंग टू टू दैट ऑफ द ग्रेविटी वॉटर जो नॉर्मल वाटर है उसके कंपेयर में हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होगा एंड वेरी हाई विस्कॉसिटी वेरी हाई विस्कॉसिटी बात समझ में आया कि नहीं सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या बोल रहे हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद दॉल सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड

एंड एंड आई बिस्कोसिटी आई विस्कॉसिटी जब हम ये बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरा कंपेरिजन क्या है वेरी कंपेयर टू कंपेयर टू ग्रेविटी वॉटर कंपेरिजन किससे हो रही है ग्रेविटी वॉटर से हो रही है वी आर कंपेरिंग विद द ग्रेविटी वॉटर इज दिस पॉइंट क्लियर इज दिस पॉइंट क्लियर क्लियर है पॉइंट सो मेरे दोस्त जब हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात कर रहे हैं तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हम क्या बोल रहे हैं ये वो वाटर है विच इज एब फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय द स्वल सॉलिड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि भाई मेरे क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है विद द सॉलिड सो इट इज हैविंग हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट वेरी वेरी लो एंड विस्कोसिटी तो अब ये पानी तुमको कहां दिखेगा देखो मेरे दोस्त मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूं देखना यहां यहाँ पे ध्यान से एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूं देखना यहां पे ध्यान से ये एक सौलि का सरफेस पकड़ लो एक लो। मान लो ये वाला पकड़ बात कर दिस इज सॉलिड अब इस में मेरे दोस्त हम क्या बोल रहे हैं सबसे ऊपर कौन सा परत जम रहा है इसके ऊपर कौन सा परत जम रहा है इसी परत को हम क्या बोल रहे हैं यस दिस

तो, ये तो बात हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर का अगला बात करें मेरे दोस्त फिल्म वाटर, फिल्म परत अगेन फिल्म मतलब एक लेयर। तो फिल्म वाटर का मतलब क्या है ये वाटर कहां से आएगा जो वेपर है जो वेपर एटमोस्फेयर में है तो वेपर जब कंडेंस करेगा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है कंडेंस होने के कारण जब वेपर का कंडेंसेशन होगा तो ड्यू टू तो द कंडेंसेशन ऑफ वेपर जो लेयर सॉइल सॉलिड्स

द लेयर ऑफ वॉटर द लेयर ऑफ वॉटर ऑन सॉइल सॉलिड्स ऑन सॉइएल सॉलिड्सम डोबर हाइग्रोस्कोपिक वॉटर हाइग्रोस्कोपिक वॉटर ड्यू टू ड्यू टू कंडेन्सेशन ऑफ कंडेन्सेशन ऑफ डू टू कंड ऑफ एक्वास डॉपर ठीक है मेरा दोस्त अब देखो अब यहां पर बॉन्ड ज्यादा होगा या कम होगा कंपेयर टू दाइग्रोस्कोपिक जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉगर होगा या वीकर होगा देखो ये तुम्हारा क्या हुआ यह तुम्हारा बना फिल्म वॉटर यह जो देख रहे हो यह बना तुम्हारा फिल्म वाटर तो अब बोलो मेरे दोस्त यहां पे सॉयल सॉलिड्स के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा कंपेयर टू डैट ऑफ कंपेयर टू डैट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर जल्दी से जवाब देंगे इट विल बी वीकर लेकिन अगर हम बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड वाटर के रेस्पेक्ट में बॉन्ड स्ट्रांगर होगा या वीकर होगा ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में बॉन्ड स्ट्रांगर होगा या वीकर होगा यस yes? टू द्राउंड वाटर इट विल बी स्ट्रॉगर और इट विल वीकर होगा जब हम ये बोल सकते कि भाई बॉन्ड स्ट्रांगर है कंपेयर टू द ग्राउंड वाटर और वीकर है कंपेयर टू डेट ऑफ द योर हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो हम बोल सकते कि जो प्रॉपर्टी है जैसे अगर uh, तो जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट होगा मतलब अगर हम पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ग्राउंड वाटर से ज्यादा लेकिन जो वाटर उससे कम सिमिलरली अगर फ्रीजिंग पॉइंट बात कर, तो वेरी ज्यादा तो बीच में होगा बादस विस्कस इट विल बी इंटरमीडिएट इज इट क्लियर टू एवरी वन यस तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं इन द फिल्म वाटर द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ फिल्म वाटर फिल्म वाटर इज इज ट्रिंजेंट ट्रिंजेंट मतलब मोर स्ट्रॉगर ट्रिंजेंट देन ग्रेविटी वाटर ग्रेविटी वाटर बट Lenient, lenient मतलब कमजोर. जल्दी से बताओगे बाबा यस इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल स्वेलिंग यहां पर नहीं आता भाई स्वेलिंग श्रिंकेज भाई स्वेलिंग श्रिंकेज का मतलब समझ में आता है कुछ भी कहीं भी स्वेलिंग श्रिंकेज जोड़ देंगे कहीं भी स्वेलिंग श्रिंकेज जोड़ देंगे प्रशांत भाई सिंकेज एक पेनोमिना है क्यों होता है ये समझ में आना चाहिए है ना मॉन्ट मोनलाइट का कंटेंट ज्यादा है प्लासिटी ज्यादा है मिलेगा बात समझ सर हाइड्रोस्कोपिक में एटमोस्फेयर में होता है। भाई कोई जरूरी थोड़ी रेन होगा एटमोस्फेयर में नहीं होता है एटमोस्फेयर में मॉइस्चर में बारिश होगा तभी एब्सॉर्ब होगा क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक सो दट इज फिल्म वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड ग्रेविटी वाटर क्लियर है तक अब मेरे दोस्त अगला है स्ट्रक्चरल वाटर द नेक्स्ट पार्ट इज योर स्ट्रक्चरल वाटर नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चरल वाटर वी ऑलरेडी नो द वाटर प्रेजेंट इन साइड सॉलिड जो ये सॉलिड है मेरे दोस्त इस सॉलिड के अंदर जो पानी ना इस सॉलिड के अंदर जो पानी है दिस इज योर स्ट्रक्चरल वाटर राइट दिस इज योर स्ट्रक्चरल वाटर सो द वाटर प्रेजेंट इन साइड द सॉल सॉलिड इज रेफर्ड एज स्ट्रक्चरल वाटर इज दिस पॉइंट क्लियर द वॉटर प्रेजेंट इन साइड द सॉल्स हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं यार ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं द वॉटर प्रेजेंट इन साइड द सोल सॉलिट्स इज रेफर्ड एज इज रेफर्ड एज स्ट्रक्चरल वाटर ओके मेरे दोस्त क्या इसका कोई इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है क्या इसका कोई इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस है क्या इसका कोई इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस आप देखोगे नो जीनियरिंग सिग्निफिकेंस no इसका कोई भी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि फील्ड पे तुम पानी को वो ये जो पानी सॉलिड के अंदर इसको नहीं हटा सकते क्यों इस सॉलिड को आ, मतलब इस पानी को लेने के लिए आपको सॉलिड को तोड़ना पड़ेगा और सॉलिड टूटा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये पानी मेरे कोई सिग्निफिकेंस का नहीं है और मेरे को सॉयल सॉलिड किस टेम्परेचर पे टूटेगा जल्दी से बताओगे ये सॉयल सॉलिड किस टेम्परेचर पे टूटेगा

इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस इट इज हैविंग नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ठीक है सिग्निफिकेंस चलिए क्लियर है ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम द वॉ इट कैन बी ऑप्टेंड इट कैन बी ऑप्टेंड बाईट दस ऑयल बाई हीट इन दस ऑयल एट अ टेम्परेचर ग्रेटर दैन भाई ग्रेटर देन करोगे तब ना टूटेगा एक सौ पांच एक सौ दस तो नॉर्मल करते हैं एक सौ दस डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम चेंज होंगे ना सर ड्यू टू वॉटर एबजॉर्ब एंड अरे बाबा वो कॉम्पैक्शन का अलग फेनोमेना पढ़ाएंगे आगे सर पेशेंस रखिए अभी हम वाटर वा, एबजॉर्ब या हम वाटर का रिमूवल की बात नहीं कर रहे हैं ये ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है अभी हम नहीं बोल रहे कि बारिश हो रही है या पानी सूखा पड़ रहा हम इसका कोई बात नहीं कर रहे हैं समझ में आ रहा है बात ये ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है हम उनकी बात कर रहे हैं ज्यादा पढ़ लियो हमको लग रहा है ज्यादा पढ़ लियो चलो क्लियर है सर ओवन हीट में टेम्परेचर 110 लेते हैं तो 105 सौ पांच पे कैसे अब बोला ग्रेटर 110 पे टूटेगा 105 से 110 रेंज बोला जाता है ग्रेटर देन 110 ले जाओगे तब टूटेगा चलो देखो ना एक एक लाइन तो क्लियर लिखते हैं ग्रेटर देन एक एक लाइन क्लियर लिखते हैं चलिए आ गया मेन टॉपिक अपना कैपिलरी वाटर सबसे मेन टॉपिक मेरे दोस्त सबसे मेन टॉपिक अब एकदम सीरियस हो जाओ अब एकदम सीरियस हो जाओ और ढंग से सुनो जो बात पूछेंगे वो बात बताना और ये टॉपिक हम बहुत आसानी से खत्म कर लेंगे यस ठीक है चलो तुम अच्छा एक बात बताओ ना मैं Uh, मैं तो दूसरे चैनल पे जाके देखता भी हूं कि मेरे कौन से बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं पता है आपको ये बात आप लोगों को पता है दूसरे चैनल पे ये जाके जरूर देखता हूँ कि कौन से बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं ठीक है अब मेरे कौन से बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें दो तीन लोग का नाम मैंने देखा था और कॉमनली ऑब्जर्व करता हूं मेरे को एक बात बताओ तुम लोगों से आता है तुम लोग के पास इतना टाइम कहां से आता है कि हर चैनल पे जाके पढ़ लेते हो आ, क्या तुम कोई फायदा करता है वो तुमको हा? क्या तुम लोग को करता है अब मैं नाम नहीं ले सकता यार यार तुम समझो मतलब ये दगाबाजी है ये दगाबाजी है पता है आपको दगाबाजी चलो कोई क्रैश कोर्स चला रहा है क्रैश कोर्स में घुस गए कोई आ, आपको मैराथन सेशन ले रहा है एक दिन में पूरा एनवायरनमेंट खत्म कर देंगे वहां घुस गए क्या है यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ जिंदगी क्यों बेवकूफों वाली हरकत करते हो यही से बोलता हूँ ना डेविएशन बहुत ज्यादा है फिर तुम बोलते हो सर रिजल्ट नहीं आ रहा भाई कहां से आएगा अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो तुम लोग अपने माइंड को ठीक नहीं हुआ हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया ये जो बोल रहे ना गेम खेल गए बस समझ जाओ हगाबाज हाँ। हो भाई तुम लोग बड़े वाले हाँ चलो ओके आपको मालूम कैसे है भाई सर्वत तत्र वो एक डायलॉग है ना अत्र तत्र सर्वत्र बस समझ लो चलो राइट अब देखो यहां पे अब देखो यहां पे राइट <laughs> देखो यहां पे मेरे दोस्त आप लोग एक सिंपल सा पॉइंट बोलते हैं जो कर रहे हो एक चीज याद रखना समय बहुत प्रीशियस है दस जगह जाओ समय बर्बाद करो क्या होगा एट द एंड वो कोई काम का नहीं होगा ठीक है चलो यहां ध्यान दो। हां राइट देखो अब यहां पे। इस चैनल को इतना ऊपर ऐसे ही थोड़ी लाया है मेरे दोस्त इस चैनल को ऐसे ही थोड़ी ऊपर लाया है पूरा रिसर्च होता है ये पूरा रिसर्च मैं अकेले खुद पूरा करता हूं कौन कहां पे क्या कर रहा है कौन कहां पे क्या बेवकूफी कर रहा है और वो बेवकूफी मेरे को नहीं करना इसलिए मैं वो काम नहीं करता चलो राइट स्ट्रक्चर वाटर में हीटिंग क्यों क्या भाई हीटिंग नहीं किया मैं बता रहा हूं स्ट्रक्चर वाटर कैसे मिलता है स्ट्रक्चर वाटर कैसे मिलेगा हीटिंग करोगे एक दस सॉलिड टूटेगा पानी निकल जाएगा राइट ओके सो कैपिलरी वाटर व्हाट इज कैपिलरी वाटर कैपिलरी वाटर का मतलब है ये वो वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर अब इसका कैसे मतलब निकालेंगे तो थोड़ा ना फ्लूड मैकेनिक्स के बेसिक्स पे आते हैं फ्लूड मैकेनिक्स कितने लोग फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ लिये हो भैया अभी चल भी रहा है फ्लूड मैकेनिक्स चल रहा है ना आपका मॉर्निंग मॉर्निंग में मृगान सर आपका फ्लूड मैकेनिक्स ले रहे हैं हाँ मॉर्निंग में मृगांत सर आपका फ्लूड मैकेनिक्स ले रहे हैं तो सबसे पहले ये बताओ कैपिलैरिटी पे तो आएंगे बाद में पहले भी बताओ सरफेस टेंशन क्या होता है व्हाट इज सरफेस टेंशन व्हाट इज सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या होता है हाँ भाई सरफेस टेंशन क्या होता है सरफेस टेंशन व्हाट इज सरफेस टेंशन जल्दी से बताओगे सरफेस टेंशन क्या होता है जल्दी से देखे जरा कितने लोग पढ़े हो हाँ भाई चंगू बताओ भाई चंगू ने बोला है सर पढ़ा है हाँ समीर समीर भाई भी बोल रहे हैं पढ़े हैं हाँ ध्रीति भी बोल रही है चलो भाई बताओ आयुष अश्विनी बोलो भाई क्या होता है

संधि विच्छेद किए हो बचपन में सरफेस टेंशन टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस खत्म कहानी टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस खत्म कहानी ठीक है टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस अगर मेरे को सरफेस टेंशन बोलना है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑबियसली बात पर यूनिट लेंथ बात करते हैं यहां पर ऑन द सर्फेस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ इज रेफर्ड एज इज रेफर्ड एज सर्फेस टेंशन इज रेफर्ड एज सर्फेस टेंशन राइट इज रेफर्ड एज सर्फेस टेंशन तो मेरे दोस्त बेसिकली होता क्या है बेसिकली वॉट हैपेन्स हां क्या पाया जाता है देखो यहां पे आपने पास्कल्स लॉ से पढ़ा आपने पास्कल्स लॉ में पढ़ा इन पास्कल्स लॉ यू हैव स्टडीड क्या एनी पॉइंट एनी पॉइंट एनी पॉइंट विद इन द वॉटर एनी पॉइंट दैट इज विद इन द ग्राउंड वाटर टेबल विच इज़ ग्राउंड वाटर टेबल कोई भी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है तो हर जगह से प्रेशर क्या लगेगा इक्वल इसी प्रेशर का नाम दिया गया है इसी प्रेशर का नाम दिया गया है इस प्रेशर को क्या बोलते हैं सोम में भी इस प्रेशर का नाम लिया था मैंने इस प्रेशर को क्या बोलते हैं इस प्रेशर को क्या बोलते हैं से दिस प्रेशर एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन वि से दिस प्रेशर एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यस और नो इसी प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं अब सरफेस में क्या होगा वट विल हैपन टू द सर्फेस ऊपर से तो फोर्स नहीं लगा जो भी फोर्स लगा जो भी फोर्स लगा वो नीचे से लगा अब यहां पे हर डायरेक्शन से फोर्स बराबर नहीं हुआ यू विल ऑब्जर्व अ नेट फोर्स ऑन द सरफेस एंड दैट विल बी नेचर आपको नेट फोर्स दिखेगा और वो नेट फोर्स कैसा दिखेगा टेंसाइल दिखेगा ये सरफेस पे दिखेगा सरफेस के नीचे नहीं दिखेगा बात समझ में आया आपको ये सरफेस पे दिखेगा सरफेस के नीचे नहीं दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि सरफेस के नीचे पासकल्स लॉ लग के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है और इसके कारण आपका मॉलिक्यूल इज नाइदर इन टेंशन इन कंप्रेशन मतलब कहने का मतलब जो नेट फोर्स बात कर रहे हो डेट इज इक्वल टू जीरो तो कोई टेंशन टेंशन है 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 कंप्रेशन कंप्रेशन नहीं नहीं लग रहा है. Net tension, net नहीं लग रहा रहा नेट नेट गेटिंग द पॉइंट लेकिन अगर हम सरफेस पे बात करेंगे तो सरफेस पे आपको नेट फोर्स लगता हुआ दिख रहा है और उसके कारण आपके मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में होंगे टेंशन के स्टेट में होंगे ये पॉइंट समझ में आ गया ये पॉइंट समझ में आ गया बोलो या ना यस फोर्स आएगा अब देखो होगा क्या जब हम एक कैपिलरी ट्यूब लगाए जब हम एक कैपिलरी ट्यूब लगाए तो वाटर को टेंशन में है दॉटर इज द स्टेट ऑफ टेंशन तो भैया क्या होगा ट्यूब में पानी क्या हो जाएगा चढ़ जाएगा उस टेंसाइल फोर्स के कारण ट्यूब में क्या हो जाएगा पानी चढ़ जाएगा कब तक चढ़ जाएगा ट्यूब में पानी कब तक चढ़ जाएगा जब तक वो फोर्स जो टेंसाइल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है जो टेंसाइल फोर्स जो ऊपर तरफ लग रहा है वो अपने वजन के बराबर ना हो जाए बात करते है आगे देखना यहां पर राइट देखो यहां पर मेरा पार्ट नहीं है ये सारा पढ़ चुके ऑलरेडी और मुझे पता है मृगान सार ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है है ना देखो यहां पे। सो एट द सरफेस एट द सरफेस ड्यू टू टेंशन ड्यू टू टेंशन इन वॉटर वेन वेन अ कैपिलरी ट्यूब बहुत पतला सा ट्यूब होता है कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड द वॉटर विल राइज विल राइज इन द tube, ट्यूब इन capillary ट्यूब विच इज रेफर्ड as, विच इज रेफर्ड एज इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त कैपिलरी राइज इसी को हम क्या बोलते हैं कैपिलरी राइज ये तो अभी आपका बचपन का पाप धो रहे हैं ये तो आपके बचपन के पाप धो रहे हैं मेरे दोस्त ये तो आपके बचपन के पाप धो रहे हैं हम चलो राइट क्लियर है यहां तक यहां तक क्लियर सबको हाँ हम सभी पढ़ा देते हैं ना टेंशन मत लो पूरा तेरा सब्जेक्ट आने वाले सालों में पढ़ा देंगे पढ़ लेना ठीक है ना हाँ ठीक एकदम चलिए अब मेरे दोस्त यहां पे ऑब्जर्व करोगे सो देर इज अ राइज इन द कैपिलरी ट्यूब कैपिलरी ट्यूब में क्या हुआ राइज आया ठीक है लेकिन ये राइज कहां तक होगा तो ये भी आपने कुछ डेरिवेशन किए थे तो ये डेरिवेशन करने से पहले आप मुझे ये बताओ जब आप फ्लूड स्टैटिक्स पढ़ रहे हो जब आप फ्लूड स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है When you are the fluid statics, my dear friend, जब आप पढ़ रहे हो, इज इन इक्विलिब्रियम यस और नो बताएंगे सब लोग पतला सा ट्यूब है थोड़ा सा बड़ा इसलिए दिखाएं थोड़ा जरूरी है यस योर बॉडी बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आपका क्या है में होता है तो अब देखो पानी तो पानी है पानी तो पानी है जहां जगह मिलेगा चढ़ जाएगा वाटर विल राइज़ यहां भी तुम देखोगे कि अगर पानी है तो पानी ऐसा नहीं है फ्लैट रहेगा एक एंगल से सरफेस से कांटेक्ट में आएगा राइट सो देर विल बी राइज देर विल बी राइज इन दैपिलरी विल बी राइज इन कैपिलरी ट्यूब ठीक है तो कितना हुआ ये राइस कितना हुआ पानी कितना चढ़ा पानी कितना चढ़ा ऊपर? पानी कितना चढ़ा कैसे निकाले देखो मैंने क्या बोला बॉडी किसमें इक्विलिब्रियम है द इक्विलिब्रियम बॉडीज ही के तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट नेट फोर्स क्या होगा जीरो होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अब देखो यहां पे अब देखो यहां पे मेरे दोस्त यहां पे एक एंगल बन रहा है यू कैन सी एंगल मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं आपके लिए देखो यहां पे कैन यू सी देर इज द एंगल हियर मतलब ये फ्लैट नहीं मेरे दोस्त एक एंगल बन रहा है. ये एंगल भी आप पढ़े हो ये एंगल भी आप पढ़ते हो कॉन्टेक्ट एंगल राइट इन द फ्लूड नहीं जाने वाले हैं क्योंकि फ्लूड का पार्ट है देखिए अब यहां पर तो मेरे दोस्तों यहां पे एक एंगल बन रहा है इसी एंगल पे क्योंकि सरफेस का फोर्स है क्योंकि सरफेस का फोर्स है तो फोर्स तो भाई सरफेस पे ही दिखेगा फोर्स तो सरफेस पे ही दिखेगा दिस इज योर सरफेस टेंशन ये रहा आपका सरफेस टेंशन और ये आपका एंगल है दिस एंगल इज अल्फा ये पॉइंट समझ में आ गया ये पॉइंट समझ में आ गया बोलो हाँ या ना यस एंगल ऑफ कांटेक्ट क्लियर है यहां पे तो बेसिकली क्या होगा बेसिकली क्या होगा मान लो अगर ये है राइट right? तो वाटर इसके सरफेस पे तो आपको दिख रहा है तो जो प्रेशर लग रहा है जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा लग रहा है ये सरफेस पे लग रहा है ये ये सरफेस इज इट क्लियर और एक एंगल से लग रहा है इट इज एक्टिंग ऑन एंगल सरफेस पे एक एंगल पे लग रहा है ये क्लियर होना चाहिए क्लियर है सरफेस पे एक एंगल पे लग रहा है अब से। अब समझोगे समझोगे यहां यहां से से पे ध्यान तो मेरे दोस्त आपका बॉडी इक्विलिब्रियम है इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम जितना अपवर्ड फोर्स जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही आपका डाउनवर्ड फोर्स अरे भाई जितना ऊपर में फोर्स लगेगा उतना ही नीचे में फोर्स लगेगा तो ऊपर में फोर्स कौन दे रहा है ऊपर में फोर्स कौन दे रहा है ऊपर में फोर्स सरफेस टेंशन दे रहा है लेकिन वो पर यूनिट लेंथ है। ये ध्यान रखना ऊपर का फोर्स ये हमने देखा था एंगल पे ऊपर का फोर्स सो टी एस कॉस अल्फा लेकिन मेरे दोस्त ये पर यूनिट लेंथ है दिस इज पर यूनिट लेंथ और अगर ये पर यूनिट लेंथ है देखो अगर हम बोल रहे हैं कि इसका डायमीटर डी है अगर हम बोल रहे हैं कि आपका जो ट्यूब है उसका डायमीटर डी है तो सरफेस टेंशन तो सरफेस पे दिख रहा है ना ये वाला जो वॉल जिसके जिसके वॉल्टैक्ट में है जो के में, जो पानी उसी पे तो टेंशन देगा ना तो मेरे दोस्त मेरे दोस्त ये सरफेस पे इसका ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना है यस द लेंथ दैट इज पाई डी वेरी गुड अब डाउनवर्ड फोर्स कहां से आएगा ये डाउनवर्ड फोर्स कहां से आएगा जल्दी से बताओ ये डाउनवर्ड फोर्स कहां से आएगा इसके वजन के कारण मान ले कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर रो रोडब्ल्यू बोल रहे हैं। रो रोड डाउनवर्ड फोर्स फोर्स इज वॉट मास इंटू एक्सलेशन मास इंटू एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम राइट सो डेंसिटी इंटू जी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है डी स्क्वायर सो पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एच एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिसो यहां पर अब मेरे दोस्त देखो यहां पर डी और डी चला गया पाई और पाई चला गया यह गामा डब्लू बन जाएगा हमको एच चाहिए कितना राइज होगा कितना कैपुलरी राइज होगा यही चाहिए सो so, एच क्या हो जाएगा फोर टी एस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल एच बराबर फोर टी एस कॉस अल्फा बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी मजा आया ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़े हो लेकिन कुछ अलग फीलिंग आया क्या कुछ अलग फीलिंग आया क्या कुछ अलग फीलिंग आया क्या रिपीट फ्लूड मैकेनिक्स का पार्ट है सर डाउनवर्ड फोर्स अबे फोर्स बराबर क्या होता है बहुत पाप की हो तुम लोग मतलब पापी हो बुरा वाला पापी हो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी न्यूटन का लॉ बोलता है मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी वॉल्यूम इज वॉट एरिया इंटू लेंथ बस हो गया खत्म कहानी खत्म कहानी हो गया क्लियर है बड़े वाला पापी अब यही हो, मतलब मैं मतलब मास इंटू एक्सेशन लिख रहा हूं अगर उसमें प्रॉब्लम है तो मैं क्या बोलूंगा अब एक घटिया घटिया चैनल का हम नाम नहीं लेते हैं देखो यहां पे देखो यहां पर क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक बोलो यार चलो तो ये तो बात हो गया कैपिलरी राइस का एक्स फोर्ट कॉस अल्फा बाई गामू इंटू डी अगला पॉइंट बात करते हैं मेरे दोस्त अगर हमको मैक्सिमम चाहिए हमको मैक्सिमम हमको मैक्सिमम राइस कितना होगा ठीक है तो अब मेरे दोस्त एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस टेंशन होता है सेवेंटी टू पॉइंट एट इंटू टेन टू दावर माइनस एट किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर ये आपका डाटा है फ्लूड के लिए पानी के लिए आपका ही डाटा है ठीक है सो टीएस इज इक्वल टू सेवेंटी टू पॉइंट एट इंटू टेन पावर माइनस एट किलो पर सेंटीमीटर ठीक है अब देखो यहां पे अब देखो यहां पे तो ह, आपको यहां पे आया मेरे दोस्त हमको मैक्सिमम राइज निकालना है तो मैक्सिमम राइज कब आएगा कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर मैक्सिमम राइज कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए जल्दी से बताओगे फॉर मैक्सिमम राइज कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए यस द वैल्यू शुड बी इक्वल टू वन द वैल्यू शुड बी इक्वल टू वन द वैल्यू शुड बी इक्वल टू वन मतलब अल्फा शुड बी इक्वल टू तो जीरोक्वल टू फोर टी एस डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी चलिए थोड़ा अब इसको एक्सप्लोर करते हैं ये फॉर्मूला रटते हैं आप लोग थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं सो फोर इन टू टी एस क्या हो गया सेवनटी टू पॉइंट एट सेवेंटी टू पॉइंट एट इंटू टेन टू दी पावर माइनस एट अब देखो किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर है इसको हम न्यूटन पर सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो न्यूटन पर सेंटीमीटर में अगर रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता रख देते किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर में ही ठीक है अब नीचे में गामा डब्लू आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखाता है लिखाता है तो गामा डब्ल्यू नाइन पॉइंट एट वन अगर हमको किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब करना है तो मेरे दोस्त टेन पास सिक्स से डिवाइड कर दे क्या टेन पास सिक्स से डिवाइड कर दे क्या बोलो तो टेन पास सिक्स से डिवाइड कर दे क्या यस yes. मेरे को क्योंकि सब सारे जो यूनिट है अगर फोर्स है तो किलो न्यूटन अगर आपका तो लेंथ का यूनिट है तो उसको सेंटीमीटर रखना है नाइन पॉइंट एट वन किलो न्यूटन पर मीटर की होता है हमको किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब रखना है तो डिवाइड बाई टेन सिक्स कर दे बेटा ये स्टैंडर्ड यूनिट है हम नहीं बोल रहे स्टैंडर्ड यूनिट है मल्टीप्लाइड विथ डी देखो ये आपका क्या है किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब आपने डाया रखा किसमें सेंटीमीटर में मतलब फाइनल यूनिट किसमें आएगा मतलब फाइनल यूनिट किसमें आएगा कौन बताएगा व्हाट विल बी फाइनल यूनिट किलोन्यूटन किलो न्यूटन किलो चला गया सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर को काट देगा एक सेंटीमीटर और चला गया सेंटीमीटर ऊपर चला गया आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में आएगा तो जरा कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके बताओ जरा कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके बताओ मैथ्स बराबर समथिंग बाई डी एच मैथ्स बराबर समथिंग बाई डी यूनिट का मजा ही अलग है यूनिट का मजा ही अलग है एच मैथ्स बराबर समथिंग बाई डी यस पॉइंट टू नाइन वेरी गुड ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या बोलो तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या एच मैथ बराबर पॉइंट टू नाइन बाई डी जहां एचमैथ आपका किस में आया सेंटीमीटर में आया और डायमीटर आप किस में रख रहे हो सेंटीमीटर में रख रहे हो ये याद रखना डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त क्लियर है चल है? Okay. है। अब देखेंगे, आप अब देखेंगे आप लोग ध्यान से अब देखेंगे आप लोग ध्यान से अब देखेंगे आप लोग ध्यान से, मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों अगर मैं कैपिलरी वाटर की बात करूं तो हुआ क्या कैपिलरी वाटर कैपिलरी वाटर अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं तो जब ये ट्यूब में राइज लिया तो राइट जब ले रहा है तो इसको सपोर्ट कौन कर रहा है भैया पानी ऊपर चढ़ रहा है पानी किसके सपोर्ट से ऊपर चढ़ रहा है जल्दी से बताएंगे अगर वाटर इज राइजिंग अप तो ये जो राइज हो रहा है किसके मदद से हो रहा है किसके सपोर्ट लेके हो रहा है यस इट इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ वॉल्स ऑफ द सॉइल सॉलिड्स वॉल्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब जो कैपिलरी ट्यूब है उसके वॉल के सपोर्ट से ये पानी ऊपर चढ़ रहा है यस yes? ये वॉल्स के सपोर्ट से पानी ऊपर चढ़ रहा है तो अगर आपका पानी टेंशन में है तो वॉल पे कौन सा फोर्स लगा रहा है अगर आपका पानी टेंशन में है तो वॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है जल्दी से बताएंगे द वॉटर द कैपिलरी वॉटर इज इन द स्टेट ऑफ टेंशन देन वॉल्स आर सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन 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 बड़ा सिंपल सा बात है ना यार आप मानो एक आदमी दूसरे आदमी के कंधे पे पैर रख के चढ़ रहा है तो आदमी अपने आप को ऊपर जाने के के लिए टेंसाइल टेंसाइल फोर्स फोर्स लगाएगा लेकिन उस फोर्स को लगाने दूसरे जो नीचे वाला आदमी है उस पर क्या करेगा कंप्रेशन लगाएगा आप सोच के के देखो ना एक आदमी आपको पकड़ ऊपर चढ़ रहा है तो आप तो कंप्रेस हो रहे हो ना आप टेंशन में थोड़ी ना आ रहे हो आर यू गेटिंग द पॉइंट यस सो माय डियर फ्रेंड द वाटर इन द कैपिलरी इज सपोर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द ट्यूब एंड द वॉल्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन मजा आया मजा आया बोलो यार अरे बोलो यार अरे बोलो यार यस वाटर कैपिलरी वाटर कैपिलरी वाटर इज कैपिलरी वाटर इज सब्जेक्टेड टू टेन्साइल फोर्स सब्जेक्टेड टू टेन्साइल फोर्स टेनसाइल फोर्स राइट एंड इज सपोर्टेड एंड इज सपोर्टेड बाई द बाई द वॉल्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब वॉल्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब वॉल्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब विच इज अंडर कंप्रेशन विच इज अंडर कंप्रेशन विच इज अंडर कंप्रेशन इज दिसंट क्लियर वॉल्स ऑफरी ट्यूब किसमें ट्यूब विल बी अंडर कंप्रेशन टॉपिक इतना बढ़िया चल रहा है कि पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया है टॉपिक इतना बढ़िया चल रहा है पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया नहीं चलो गुड चलो तो मेरे दोस्त इसी को हम लोग क्या करेंगे अपने स्वाइल में अप्लाई करेंगे ये तो आपका क्या अभी तक मैंने सोयल मैकेनिक्स में अप्लाई किया कि क्या कुछ पढ़ाया क्या अभी तक क्या अभी तक हमने स्वाइल मैकेनिक्स पढ़ाया है क्या अभी तक तो हमने वो पढ़ाया जो आप फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ते हो ये सारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है ये सारा फ्लूड मैकेनिक्स का पार्ट है है ना लेकिन मेरे दोस्त अभी इसको सवाल में हम अप्लाई करेंगे और कल कल मेरे दोस्त आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है ठीक है डेट इज स्ट्रेस और ये पूरा ये जो हम पढ़ रहे होंगे जो हम कल अप्लाई कर रहे होंगे वो पूरा स्ट्रेस से लिंक होगा तो कल का जो सेशन होने वाला है मेरे दोस्तों कल का जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है कल का जो सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ठीक है अगर आपको सही में तेरा में तेरा नंबर लाना है तो कल का सेशन तो मिस मत करना भूल के भी लाइव अटेंड करोगे ज्यादा समझ में आएगा ठीक है ना नाटी मंडे को स्टार्ट होगा यस एकदम हो सकता है ठीक है बोलो निखिल मॉड्यूल टू स्टार्ट होगा मॉड्यूल टू स्टार्ट होगा मॉड्यूल टू आपका कल से शुरू हो रहा है मॉड्यूल टू आपका कल से शुरू हो रहा है मेरे दोस्त मॉड्यूल वन हम खत्म पे हैं मॉड्यूल कल शुरू हो जाएगा ठीक है तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है शेयर करना है, है ज्यादा ज्यादा, से जादा, ना? कल का जो लिंक आएगा शेयर करना है ज्यादा ज्यादा। ज्यादा नहीं, at least 200 तक। ठीक है? क्या वो अचीव कर सकते हैं हम लोग कल कैन बी अचीव डेट टूम टेनवी फर्स्टीव डेट टूम कैन बी अचीव डेट टूमोर क्योंकि मॉड्यूल टू है नया मॉड्यूल है जो बच्चे मिस किए हैं टॉपिक ठीक है वो भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि बहुत सा पार्ट ऐसा होगा जिसका कोई यूज नहीं होगा राइट मतलब वो आगे नहीं आएगा क्लियर है चलिए आपका मेहनत आप मेहनत करो बाकी देखा जाएगा एफ एम हाइड्रोलॉजी से पहले अरे ऐसा कोई लिंक है ही नहीं कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड चल तो रहा है ग्यारह बजे रात में ओके चलिए आई होप कि आप कल कर रहे हो चीज है ना आई होप कल आप कर रहे हो गए बाकी हम और होंगे तो मेरे दोस्त आपका कॉम्बैट अगला आपका 18 तारीख को है 18 तो आप जुलाई तो आप जरूर देना और आपके फीस हाइक को रोक दिया गया था बट इट मे इंक्रीज एनी डे तो आपको अगर लेना है तो डू ज्वाइन इट एज एज पॉसिबल और लेने के लिए आपको पता है क्या करना है चाहे प्लस हो चाहे स्पेशल क्लास हो चाहे कॉम्बैट हो चाहे वो आपका कोई क्विज हो या टेस्ट हो आप कौन सा कोड लगाओगे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता दो यस yes, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता दो और मेरे दोस्त यस आई वांट यू ऑल की प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरीके से करो रहे हो टॉप टेन टॉप हंड्रेड या टॉप था गेट रैंक्स मिले ताकि आप एमटेट्स uh, बड़े आई टी से अच्छे आप कर रहे हो ठीक है एंड इफ यू कम कम टू कमेंट गाइडेंस राइट ऑन द प्लस जहां पे आपको प्रॉपर अच्छे गाइडेंस मिल रहा होगा कि कब कौन सा सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना चाहिए तो सारी बात हम करते हैं पे

चलो न्यूमेरिकल का है? इस चैप्टर में थ्योरी है भाई चैप्टर का न्यूमेरिकल का ओके क्लियर okay. है चलो फिर भागो कल मिलते हैं हम लोग राइट कल मिलते हैं चलो बाय किया गुड नाइट